नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में भले ही टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी हो, लेकिन भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज देवदत्त पड़िक्कल ने एक अनोखा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। 21 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं जो इस सेंचुरी में पैदा हुए और भारत के लिए खेले। बता दें, पड़िक्कल का जन्म 7 जुलाई 2000 को हुआ था और उन्होंने हाल ही में अपना 21वां जन्मदिन मनाया था। उम्र के मामले में पड़िक्कल टी20 इंटरनेशनल में भारत के 10वें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। हालांकि अन्य सभी 9 खिलाड़ी साल 2000 से पहले पैदा हुए थे। वॉशिंगटन सुंदर, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल और राहुल चहर जैसे खिलाड़ियों ने कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है, लेकिन इन चारों का जन्म 1999 में हुआ था। तो वहीं देवदत्त पड़िक्कल पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने जो इस सदी में पैदा हुए। पिछले 2 से 3 वर्षों में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद देवदत्त को भारतीय टीम में शामिल किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में उन्होंने 7 पारियों में 737 रन बनाए थे। इससे पहले सीजन में भी बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कर्नाटक के लिए 700 से अधिक रन बनाए थे। लिहाजा विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 2 सत्र में 700 से अधिक रन बनाने वाले भी वो पहले खिलाड़ी बन गए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा आईपीएल में भी वो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका मिल ही गया। बहरहाल, मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना सकी, जिसके जवाब में श्रीलंका ने इस लक्ष्य को 4 विकेट शेष रहते हासिल कर दिया। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर। सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें इसे सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।